हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो यार बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ है यार। तो यार फाइनली बादशाह ने रोल्स रॉयस खरीद ली है। तो यार ये फोटो देख सकते हो यार। तो यार कैप्शन में लिखा है, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, वेलकम टू द फैमिली एट रोल्स रॉयस कार्स। और इससे तो सीधी बात पता चलती है कि इन्हें बाय कर लिया रोल्स रॉयस। और यार इसके नीचे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के कमेंट्स भी यार, जैसे कि जैसे गिल, रफ्तार और भी बहुत सारे हैं जिनके कमेंट्स हैं। और उसके बाद से यार रफ्तार ने भी इसकी स्टोरी डाली और उसके बाद से पोस्ट भी डाला, और बहुत ही मोटिवेशनल पोस्ट था और साथ ही में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी डाली। तो यार मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। आज मैंने नैनो के पास रोल्स रॉयस देख ली, सब देख लिया है इस धरती पर, और हंसते हुए इमोजीज। तो यार अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यार ये बात है यार 2-3 साल पुरानी, जब हनी सिंह जैसे ही गए थे, मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद से वो आए थे अपने जोरावर के प्रमोशंस के लिए। तो यार उस टाइम पे इंटरव्यू में एक बंदे ने उनसे पूछा था कि यार बादशाह आपसे आगे निकल गए तो आपका क्या कहना है। तो उसमें हनी सिंह ने जैसे कि बोला था कि रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फ़र्क होता है। तो यार रोल्स रॉयस वो खुद को बोल रहे थे और नैनो बादशाह वो कह रहे थे। तो यार उसके पीछे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एक कॉन्सर्ट में रफ्तार ने भी बोला था कि आजकल हमारे भाई को बहुत लोग नैनो नैनो बोल रहे, कौन है भाई ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला था। उसके बाद से ये सब कुछ शांत हो गया था और बादशाह ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस बोल दिया था कि यार मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। तो यार उसके बाद से यही स्टोरी उसी से रिलेटेड है। तो यार रफ्तार कहना चाहते हैं कि यार नैनो ने जो रोल्स रॉयस खरीद ली है तो यार बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार बादशाह ने ये शायद दिखाने के लिए या फिर जो भी हो यार उनका शौक हो शायद खरीदने की, क्या प्लानिंग करके रखी हो पहले से कि मेरे को बाय करनी है रोल्स रॉयस, इसलिए खरीदी हो, या फिर शायद बताने के लिए कि हाँ यार मैं नैनो हूँ पर मैंने रोल्स रॉयस खरीद ली। तो यार जो भी था यार बहुत ही अच्छा था और बहुत बड़ी बात है यार। रोल्स रॉयस कोई सस्ती कार नहीं है, बहुत ही महंगी है, आप जाके देख सकते हो गूगल पर प्राइस कितना है। तो यार वही स्टोरी थी रिलेटेड और बहुत ही अच्छी बात है यार। तो यार अब नेक्स्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है यार वो आ रही है MC Stan और मूफाड़ की तरफ से। तो जैसे कि मैंने यार कुछ दिनों पहले रिपोर्ट करा था कि यार जो मूफाड़ है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए उनने ओपन कर दिया है कि कोई भी आके म्यूज़िक प्रोड्यूस करवा सकता है उनसे। तो यार ये MC Stan ने एक स्टोरी डाली जिसमें दिख रहा है कि यार गाना बना रहे मूफाड़ उनके लिए। तो यार ऑब्वियसली गाना आ रहा है यार मूफाड़ और MC Stan का, शायद म्यूज़िक हो सकता है और शायद रैप पार्ट भी हो सकता है मूफाड़ का, कुछ पता नहीं है, पर ये मूफाड़ ही है। तो इतना कंफर्म है कि कोई सा गाना आ रहा है MC Stan का जिसमें म्यूज़िक मूफाड़ का है या फिर रैप मूफाड़ का है। तो मेरे को तो लग रहा है कि म्यूज़िक ही है। तो यार देखते हैं कब तक रिलीज़ होता है ये गाना, नीचे लिखा है आउट सून, तो देखते हैं यार। तो यार अब नेक्स्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है यार वो आ रही है रागा की तरफ से। तो रागा का जो सॉन्ग था यार रैप का मौसम, उसके 1 मिलियन प्लेस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार। और ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है पर मैंने सोचा कि बता दूँ आप लोगों को। तो यार 1 मिलियन प्लेस हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यार अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है यार वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो यार डिवाइन का कॉन्सर्ट है यार 12 मई को VGP रिजॉर्ट चेन्नई में। तो यार आप लोग बुक माई शो से टिकट्स बुक कर सकते हो। तो यार जो भी इंटरेस्टेड है वो करो और जो कि चेन्नई से वो भी करो, मतलब वही करो। अब नेक्स्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है यार वो आ रही है गिरिक अमान की तरफ से। तो यार अगर आप लोग गिरिक अमान को नहीं जानते हो तो गिरिक अमान जो है यार वो सिंगर है यार दिल्ली के, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने निकालते रहते हैं। तो यार उनने कुछ दिनों पहले आस्क मी अ क्वेश्चन रखा था, तो किसी ने उनसे पूछा कि लाइफ में यो हनी सिंह पाजी के साथ कोई सॉन्ग आएगा क्या पाजी। तो यार उनने रिप्लाई करा, लेट्स होप फॉर गुड। तो यार देखते हैं, शायद आ सकता है शायद नहीं आ सकता, कुछ नहीं कह सकते यार, आ भी जाए तो वेट कर सकते हैं यार इसके लिए। तो यार अब गानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार रागा का सॉन्ग आया यार उनके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है UP14 रागा 2019। तो यार गाने का नाम है UP14 जो कि बहुत ही अच्छा गाना है यार, फुल रैप सॉन्ग है। तो आप लोग चाहो तो जाके सुन सकते हो, मेरे को तो अच्छा ही लगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है। तो अगला गाना जो है यार उसका नाम है फ़र्क नहीं पड़ता बाय कृष्णा, जो कि AK प्रोजेक्ट से रिलीज़ हुआ है यार, जिसका नाम चेंज हुआ है कलमकार, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार ये कलमकार कौन सा चैनल है और आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा था, तो यार ये जो चैनल है वो AK प्रोजेक्ट ही है, बस नाम चेंज कर दिया है, तो ये भी मैंने बता ही दिया। तो फ़र्क नहीं पड़ता आया है गाना कृष्णा का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके सुन सकते हो। तो नेक्स्ट गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला गाना जो है यार उसका नाम है अजूबे बाय 7 Bantais, यार ये भी आउट हो चुका है। तो अगर आप लोग सुनते हो 7 Bantais के सॉन्ग और मुंबई सीन को फॉलो करते हो, मुंबई रैप सीन को फॉलो करते हो, तो जाके सुनो यार, अच्छा गाना है, और बताना कैसा लगा। और फिलहाल के लिए बस इतनी न्यूज़ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा देना, और पड़ोस में जो घंटा है
उसको भी बजा देना और अपने फ्रेंड्स को ऐड करो यार इसमें जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ठीक है। किसको इंटरेस्ट नहीं होता म्यूज़िक में, सबको होता है, तो जल्दी से ऐड करो यार, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कहना था, बाय।